हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम डिस्चार्ज और कंटिन्यूटी इक्वेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द डायामीटर ऑफ ए पाइप एट द सेक्शन 1 एंड 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक पाइप है जिसका हमें डायामीटर गिवन है। फर्स्ट सेक्शन में पाइप का डायामीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और सेकंड सेक्शन की बात करें वहाँ पर हमारे पास पाइप का डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है। फिर हमें कहा गया है कि फाइंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फाइंड करना हमने थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्चार्ज के बारे में बताना है, जो इस पाइप से डिस्चार्ज हो रहा है उसके बारे में बताना है। और हमें गिवन है कि वेलोसिटी वाटर की जो इस सेक्शन 1 से फ्लो कर रही है वहाँ पर वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें एक तो डिस्चार्ज के बारे में बताना है और दूसरी बात हमें ये बताना है कि सेक्शन 2 में वेलोसिटी कितनी है, हमें उस चीज़ के बारे में भी बताना है। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डिस्चार्ज और एक वेलोसिटी इस सेकेंड सेक्शन में, सेक्शन 2 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें डायमीटर 1 जो यहाँ पर चीज़ों की, उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, यहाँ की चीज़ों को हम 2 से डिनोट करेंगे। तो D1 यानी कि फर्स्ट जो डायमीटर हमें वो गिवन था 10 सेंटीमीटर। अब हमने जो यूनिट्स पढ़ी थे वो मीटर क्यूब पर सेकंड पढ़ी थी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है हमारे पास, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वहाँ से आ गया डायमीटर हमारे पास 0.1 मीटर, ये आ गया। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है π/4 d², तो यहाँ पर डायमीटर हम लेंगे ये 0.1 वाला, तो π/4 × 0.1² जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.00 0.00784 m², ये हमारे पास आ गया A1 यानी कि फर्स्ट सेक्शन का एरिया हमारे पास आया है। उसी तरह से हमें सेकंड, और इसके साथ साथ हमें फर्स्ट सेक्शन में वेलोसिटी भी गिवन थी 5 मीटर पर सेकंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V1 5 मीटर पर सेकंड। फिर हमें सबसे पहले चीज़ डिस्चार्ज के बारे में पूछा था, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे एरिया भी हमें पता है और वेलोसिटी भी हमें पता है, तो A1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने V1 से। A1 हमारे पास ये रहा और V1 हमारे पास गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो यूनिट आ गई हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड, जो डिस्चार्ज हमारा आया हमारे पास वो है 0.03927 m³/सेकंड। ये चीज़ हो गया, डिस्चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड चीज़ हमें कहा था कि वेलोसिटी बतानी है सेकंड सेक्शन में, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। D2 हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो 0.15 मीटर आ जाएगा। अब एरिया सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया π/4 × d², तो d हमें हमारे पास, अब ये वाला d लेंगे हम डायमीटर, तो यहाँ से एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.01767 m², एरिया भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ी है, उसमें हमें पता था कि ए वी जो है कांस्टेंट रहेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं A1V1 = A2V2। ये हमने पढ़ा भी था इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के केस में कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है, तो वहाँ से हमने ये लिख दिया A1V1 = A2V2। ठीक है, ये कल डिस्कस भी किया था हमने कैसे आया। अब यहाँ पर A1V1 तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, वो डिस्चार्ज ही था, तो वो वाली वैल्यू A1V1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। तो A1V1 का हमें पता था, A2 भी हमें पता है, यहाँ से A2 भी लिख दिया, सिर्फ V2 नहीं पता। अब V2 को कैलकुलेट करना है, तो ये चीज़ हमारे पास है, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे लाके, तो V2 हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे वेलोसिटी सेकंड सेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 2.222 m/सेकंड। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें कहा था, एक डिस्चार्ज कहा था और एक वेलोसिटी कहा था, दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है कि 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, एक पाइप है उसका डायमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, कन्वेइंग वाटर, वाटर कन्वे कर रही है, ब्रांचेस इनटू टू पाइप्स, आगे उस पाइप की दो ब्रांचेस हैं जिनका डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। पाइप जो थी 30 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसके आगे दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का हमें डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर और दूसरी ब्रांच का हमें डायमीटर गिवन है 15 सेंटीमीटर। और कहा गया है इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इन द 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2.5 m/सेकंड, यानी कि 30 सेंटीमीटर वाला हम सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो फ्लूड की है वो है 2.5 m/सेकंड, ये हमें गिवन है। हमें कहा गया फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, हमें अब डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, एक ये चीज़ हमें पूछा गया डिस्चार्ज के बारे में। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे कहा गया है आल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन द 15 सेंटीमीटर पाइप। हमें कहा गया जो 15 सेंटीमीटर वाली पाइप है
यहाँ पे भी हमने बताना है कि यहाँ से कितनी वेलोसिटी का जो फ्लूड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना है। एक डिस्चार्ज फाइंड आउट करना था, एक यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और साथ ही साथ हमें गिवन है इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर डायामीटर पाइप इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 सेंटीमीटर डायामीटर वाली पाइप में हमें वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें गिवन सब कुछ है, हमें सिर्फ डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है यहाँ पर और यहाँ की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जो फ्लूड फ्लो कर रहा है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। अब सेम केस है D1, हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, यहाँ की जो चीज़ें होंगी उनको मैं 1 से डिनोट करूँगा, यहाँ पर 2 से डिनोट करूँगा और यहाँ पर 3 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो D1 हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो π/4D² डायमीटर हमारे पास 0.3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो A1 हमारे पास आ गया 0.07068 m², ये हमारे पास आ गया एरिया, यानी कि फर्स्ट सेक्शन का एरिया हमारे पास आ गया ये वाला एरिया। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है 2.5 m/s, तो मैंने लिख दिया v1=2.5 m/s, ठीक है। अब D2 भी हमें गिवन है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.20 m, और यहाँ की वेलोसिटी भी हमें गिवन है 2 m/s इस सेक्शन की, तो V2 भी हमें पता है यहाँ पे 2 m/s। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो π/4D² फिर से वही चीज़, तो π/4 डायमीटर हमारे पास 0.2 है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.0314 m². A1 भी हमारे पास आ गया, A2 भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब D3 की तरफ चलते हैं, हमें D3 भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.15 m, ये भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट करेंगे फिर से वही फार्मूला π/4D², तो यहाँ से एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.01767 m², ये हमारे पास एरिया आ गया, यानी कि A3 भी हमें पता लग गया। अब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, हमें कहा था कि जहाँ पे पाइप का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है वहाँ पे डिस्चार्ज बताओ कितना होगा, तो डिस्चार्ज का फार्मूला हमें पता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इस सेक्शन में कितना एरिया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से। यहाँ वाले सेक्शन का एरिया हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया हुआ, यही सबसे ऊपर A1, तो इस A1 को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 m/s से, तो डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आया है 0.1767 m³/s, यूनिट्स का ध्यान रखना है m³/s है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है कि हमें ये जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है फ्लूड की। अब देखो हमें इस चीज़ के बारे में पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ लो जो हमने लास्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम डिस्चार्ज की बात करें तो Q1 किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है इनलेट, यहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो किसके बराबर होगा, यहाँ का डिस्चार्ज प्लस यहाँ का डिस्चार्ज, क्योंकि जो आउटलेट का डिस्चार्ज होगा वो यहाँ के डिस्चार्ज के बराबर होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो मैं ये लिख सकता हूँ Q1=Q2+Q3, Q1 यहाँ का डिस्चार्ज है, Q2 यहाँ का डिस्चार्ज और Q3 यहाँ का डिस्चार्ज है, तो वहीं से लिखा Q1=Q2+Q3। Q1 का फार्मूला हो जाएगा A1V1, Q2 का फार्मूला हो जाएगा A2V2, Q3 का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास A3×V3, एरिया इंटू वेलोसिटी हमें इस फार्मूले का पता है। A1V1 हमने सबसे पहले डिस्चार्ज हमने फाइंड आउट नहीं किया है, वैसे अगर करेंगे तो ये A1×V1, हाँ हमने ये फाइंड आउट किया हुआ Q1, तो यहाँ पर मैंने 0.1767 यहाँ से लिख दिया क्योंकि हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है। अब A2×V2 की बात करें तो A2 हमारे पास ये रहा और V2 हमें गिवन था 2 m/s, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहाँ पे A2 और V2 लिख दिया। प्लस A3×V3 की बात करें अब तो A3 हमें ये गिवन है, सिर्फ V3 नहीं गिवन है, वही हमसे पूछा हुआ वही फाइंड आउट करना है, बाकी का सब सिंपल है। ये मैंने एज इट इज़ रखा, इनको सॉल्व करेंगे तो 0.0628 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रखें। अब मैंने क्या कर दिया, 0.1767 है =0.628, हाँ इनको डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.1139, तो बाकी ये भी टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अब V3 निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, V3 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास V3 आ रहा है 6.45 m/s, तो यहाँ से हमारे पास इस सेक्शन की वेलोसिटी भी आ गई जो हमारे पास आ रही है 6.45 m/s। तो ये था बेसिकली दो क्वेश्चंस जो मैं आपको बताना चाहता था कंटिन्यूटी इक्वेशन पर, और यहाँ पे डिस्चार्ज भी आपको यूज़ हो गया और कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी यूज़ कर लिया। तो लास्ट की वीडियो हमने यही डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और FM की सीरीज़ की कोई भी वीडियो है वो भी आपको कुछ ही सेकेंड्स में आपको स्क्रीन में दिख जाएगी, वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसको छोड़ के आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह कोई भी और सब्जेक्ट नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।
जहर जो होता है।